है, जिंदगी बेहद हसीन है और हसीन जिंदगी हसीन होनी भी चाहिए, और हसीन अगर जिंदगी नहीं होगी तो फिर हसीन क्यों नहीं होगी। अब इस बात का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक आदमी ने सुबह सुबह अपनी बीवी को कहा, आज तेरे दिमाग की परीक्षा लेता हूँ, इसका कोई अर्थ है? परीक्षा उस चीज की ली जाए जो हो, लेकिन अर्थहीन बात कर रहा था, लेकिन परीक्षा लेने पे तुल गया। लेकिन लड़कियां तो स्मार्ट हैं भाई, स्मार्ट है तो उसने कहा लो परीक्षा लो, क्या पूछते हो बताओ, किसकी कैपिटल बतानी है, किसकी करेंसी बतानी है? नहीं, ऐसे नहीं, दिमाग की परीक्षा लेने। बताकर तू किसी जंगल में फंस जाए और रास्ता भूल जाए तो क्या करेगी? इतना सिंपल, क्या करूंगी मैं, अपने मोबाइल से मैप चला लूंगी। अरे बोले नहीं, मोबाइल है ही नहीं तेरे पास, फिर क्या करेगी? बोले मैं से कोई आग वाग लगा लूंगी था, कोई देख ले गया, कोई फंसा है। बोले तेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई माचिस है ना कुछ है, फिर क्या करेगी? घर कैसे पहुंचेगी जंगल में फंस गई अगर? तो बोले मैं पत्थर उठाऊंगी और भेड़िया ढूंढूंगी। ये क्या बात हुई, भेड़िया क्यों ढूंढेगी? बोले फिर भेड़ियों को मारूंगी। तो हमारे पापा ने बचपन में कहा था कि जब भेड़िए की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है, जब वो शहर की ओर जाएगा तो मैं भी पीछे 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 आ जाऊंगा। कमाल है लोग, अब भेड़िए से जंगल याद आया तो जंगल से कोई जानवर याद आ गया। जैसे एक बच्चा सुबह सुबह, बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए ना आजकल, स्कूल जा रहा था, रो भाग रहे, बेटा शेर के बच्चे रोते नहीं है, शेर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल में मास्टर जी जोर से दहाड़े, नटखट शरारती बच्चों पर अपना रौब झाड़े, वही रटा रटाया पुराना राग सुना दिया, तुम जैसे गधों को पढ़ाकर मैंने आदमी बना दिया। वाह वाह, बहुत अच्छे। मास्टर की बात एक धोबी ने सुन ली, बात की महत्ता मन ही मन गुन ली, दूसरे दिन गधा लेकर मास्टर के पास आया, कल सुनी हुई बात को फिर से दोहराया, बड़ी आशा बड़ी उम्मीद से हम आए हैं, गुरु जी आपने बहुत से गधे आदमी बनाए हैं, आपने बहुत से गधे आदमी बनाए हैं, मेरा गधा मुंगेरी यदि आदमी बन जाएगा तो मुझ गरीब का बुढ़ापा संवर जाएगा। धोबी की बात सुन गुरुजी गुरुता की बेड़ी में कस गए, अपनी ही कही बात में बुरी तरह फंस गए। हाँ। फिर कुछ सोच कर बोले, कुछ दिन इससे नाता तोड़ दो, आदमी बनने तक गधा मेरे पास छोड़ दो। वाह वाह, बुढ़ापे के सपने सजाता धोबी लौट घर गया, धीरे धीरे करके एक अरसा गुजर गया, एक दिन धोबी को अपना गधा याद आया, वो दौड़ा दौड़ा मास्टर के पास आया, मास्टर ने बताया तुम्हारा मुकद्दर खुशहाल हो गया है, तुम्हारा गधा अब शहर का कोतवाल हो गया। बहुत अच्छे। धोबी खुश दौड़ता हाँपता पहुंच गया कोतवाली, उसे अंदर आता देख सिपाही ने आंख निकाली, गुर्राकर बोला कहाँ घुसे जा रहे हो? धोबी ने कहा तुम मुझे डरा रहे हो? पता है तुम्हारे यहाँ का जो कोतवाल है वो मेरा बेटा मुंगेरी लाल है। क्या बात है। धोबी की बात सुन सिपाही का रंग उड़ गया, धोबी सीधे कोतवाल के दफ्तर की तरफ मुड़ गया, मुंगेरी मुंगेरी चिल्लाता आगे बढ़ने लगा, यह दृश्य देख कोतवाल का पारा चढ़ने लगा, दूर हट पागल खूब जोर से डांटा, गाल पर लगाया एक झन्नाटेदार चाटा। धोबी बोला कुर्सी पाकर इतना भूल गए? वाह बेटा मुंगेरी अपने बाप को भूल गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। गुस्से में कोतवाल ने चार लात और लगाई, सिपाही ने पीट कर बाहर की गली दिखाई, धोबी रोता पछताता मास्टर के पास फिर आया, कोतवाली का सारा हाल कह सुनाया, मेरी मती मारी गई थी, अकल का कच्चा था, ऐसे आदमी से तो मेरा गधा अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है,
ऐसे आदमी से। मास्टर ने बताया मानव जाति बड़ी विचित्र है, खूबसूरत चित्र बदसूरत चरित्र है, जानवर भद्दा है मगर वफादार है। जानवर भद्दा है मगर वफादार है, यहाँ तो आदमी आदमी पर भार है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरी मानो मत कोई बवाल लो, आदमी से अच्छा है कोई गधा पाल लो। बहुत बढ़िया नगेंद्र, बहुत अच्छे, क्या बात है। जानवर वफादार होता है इसमें कोई शक नहीं है, और जानवरों में भी प्राण होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जितने लोग भी हैं, बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स होते हैं, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कि एनिमल लवर नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नफरत करता हूँ, मतलब होता है डर लगता है, क्या कर सकते हो आप, कुत्ते से हमको लगता है डर। अब गली में कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए उस वक्त लव काम नहीं आता है भाई, उस वक्त कोई काम नहीं आता है, उस वक्त एक ही चीज काम आती है। अब लोग कहेंगे ये तो आप नफरत करते, नफरत नहीं है भाई, डर लगता है, क्या करें। एक तो जिनके घरों में जाओ उन्होंने पाल रखे होते हैं, उनका सब पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने पाल रखे हैं सबका एक ही सेंटेंस होता है, आ जाओ, काटता नहीं है। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें थोड़ी काटेगा, हम बाहर के। और मेरे जैसा आदमी जब जाता है अब वही घूम रहा होता है, करता हुआ यूं घूरता हुआ मुझे कि कौन आ गया है। अब जब सामने वाला चाय नाश्ता लाता है तो यकीन मानिए मेरा ध्यान चाय नाश्ते पे होता नहीं, कुत्ते पे ही होता है। तो भाई हमें तो डर लगता है, लेकिन निश्चित तौर पे जानवरों से सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें प्राण है, उनमें जान है, वो भी हमारी तरह ईश्वर की बनाई हुई इस धरती पर रचना है, देन है, इसलिए हम उनसे नफरत नहीं करें। अगर उनसे प्यार नहीं भी कर सकते तो कम से कम नफरत नहीं करें। और हिंदुस्तान तो वो परंपरा है इस घर की, जिस देश में हर घर में पहली रोटी